दोस्तों एशिया कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तूफान आया सूर्य कुमार यादव का। दोस्तों पहले तो सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को दोहरा दोहरा कर मारा। उसके बाद महज इतनी गेंदों का सामना करने के बाद खेल डाली 212 रनों की तूफानी और विस्फोटक पारी। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो आखिरकार सूर्य कुमार यादव का भयंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों एशिया कप 2023 का सुपर फोर का छठा महा मुकाबला खेला गया भारत और बांग्लादेश टीम के बीच में, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 312 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए 6 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा साकिब उल हुसैन ने 109 रनों की खतरनाक पारी खेली, तो वही तंजीद अहमद ने 87 रनों का योगदान दिया। दोस्तों भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, जबकि इस टारगेट का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि दोस्तों 45 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे। रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए मात्र 10 रन के स्कोर पर आउट हो गए, मगर दोस्तों उसके बाद मैदान पर तूफान देखने को मिला सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे से उड़ाकर रख दिए और महज 56 गेंदों का सामना करते हुए जड़ दिया 212 रनों की खतरनाक और विस्फोटक पारी।